Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं, मुझे पता है, जीएसटी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी भी देखिए, ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है कि जीएसटी डेफिनेटली चाहिए। कल ये इन्फॉर्मेशन आई थी, काफ़ी सारी वेबसाइट्स में भी अपडेट हुआ था कि जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए। और TCS भी जो है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो भी जो है वो अभी डिले हो गया है, मतलब 2-3 महीने के बाद से इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ तक जो एक कंफर्म्ड न्यूज़ है वो ये है कि TCS अभी एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब 1 सितंबर से वो शायद एप्लीकेबल होगा, तब तक उसके ऊपर रिलैक्सेशन मिला है। अब TCS कब कलेक्ट होता है? अगर आपका ओवरऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ज़्यादा हो तो फिर ई कॉमर्स कंपनी जो है आपका 1% TCS कट करेगी। अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट उससे कम है तो फिर आपका TCS वो लोग कट नहीं करेंगे। अब GST की बात करें, GST ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है? यस, GST की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है। अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, तो अभी और 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा इसके बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये क्यों लिखा हुआ आया कि GST की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए, तो अब मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो 2 दिन और वेट करेंगे और देखेंगे क्या अपडेट आ रहा है उसके बारे में। हालांकि अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना है तो GST के चार्जेस मैंने सुबह बताए थे लाइव सेशन में, 4,000 से लेके 6,000, कहीं कहीं पे 3,000 भी मैंने सुना है, 3,000, 2,500, ठीक है 6,000। तो 6,000 तक का आपका GST का रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा वो भी मैं बता देता हूँ। हमारी जो लीगल सपोर्ट टीम है, अगर आपको वहाँ से GST रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप उसको डिटेल्स अपनी भर दीजिए। जो लीगल टीम है वो आपको कॉल करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बताएंगी और आगे का प्रोसेस वो लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स वैट और CST के टाइम लगते थे वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके GST एप्लीकेशन के लिए। एक मेन चीज़ जो है वो है शॉप एक्ट लाइसेंस, गुमास्ता जिसको बोलते हैं, बिजनेस नेम, ठीक है, उसके बिना आप GST जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 6,000 रुपये पे करने के बाद अगर आपको GST नंबर चाहिए उसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, प्लस जो टैक्स है गवर्नमेंट के वो भी सारे उसके अंदर पे हो जाएंगे। जो लीगल फ़ीस सपोर्ट की जो फ़ीस है वो भी उसके अंदर इंक्लूडिंग हो जाएगी। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो बेटर है, ठीक है। उनकी वेबसाइट है, लिंक भी मैंने कल दे दी थी वीडियो में, वहाँ पे आप डायरेक्टली करिए, अगर होता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है और आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो फिर आप वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप फिल करिएगा और आपको कॉल आ जाएगा कल, या फिर जैसे आप भरेंगे उस हिसाब से कॉल आएगा। अगर आप आज भर रहे हैं तो फिर कल कॉल की मैं कोशिश करूँगा, कल कॉल आ जाए आपको या फिर परसों। अब मैं बात करता हूँ ईबे के बारे में। ईबे में भी एक GST के बारे में एक वेबिनार होने वाला है 30 जून को। तो अगर आप ईबे में सेलर है तो आपको मेल आ चुका होगा ईबे से, उनका एक वेबिनार है 3 बजे के आसपास, तो वो वेबिनार ज़रूर अटेंड करिएगा। GST के बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि क्या होने वाला नहीं होने वाला, तो वहाँ पे आप उनको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं लाइव वेबिनार में। तो ये आपको एडिशनल एक बेनिफिट मिल सकता है, अगर कोई छोटे मोटे डाउट है, पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा GST के बिना, GST नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सारे सवाल आप डायरेक्ट ईबे से पूछ सकते हैं 30 जून को। हाँ, और आपको दोस्तों क्या ये पता है कि सबसे ज़्यादा सेलर्स कौन से मार्केट प्लेस में है? अगर आपको मैं ये कहूँगा तो शायद आप थोड़े सरप्राइज हो जाओगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अमेज़ॉन में सबसे ज़्यादा सेलर्स हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में, बट ऐसा नहीं है। जो लेटेस्ट एक अपडेट आया है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा सेलर्स शॉपक्लूज़ में है, करीबन 5 लाख, मतलब आप समझिए कि ऑलमोस्ट हर एक लोग सेल कर रहे हैं शॉपक्लूज़ में, क्योंकि वहाँ पे वैट और CST नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, प्लस उनकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और कोई भी आके वहाँ पे सेल कर पा रहा था, ठीक है। तो शॉपक्लूज़ नंबर 1 पे है, उसके बाद अमेज़ॉन जहाँ पे करीबन 2 लाख सेलर है, उसके बाद फ्लिपकार्ट 1.5 लाख, और उसके बाद आता है पेटीएम, तो उसके बाद स्नैपडील में पता नहीं कितने सेलर बाकी हैं। तो शॉपक्लूज़ में भी ये अब जो आंकड़ा है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि GST आएगा और जिसके पास GST नहीं होगा वो तो ऑनलाइन सेलिंग कर ही नहीं पाएगा कोई भी मार्केट प्लेस साइट हो।
दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए मेरी एग्ज़ाम जो होने वाली थी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से 28 तारीख को, जो मुझे याद भी नहीं था आज, वो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुकी है। तो अब होंगी 8 जुलाई के बाद, तो कहीं ना कहीं जो है किस्मत मेरी साथ दे रही है। तो आज अगर मैं नहीं जाता तो पहला एग्ज़ाम तो मेरा। ये बात सबको डरा रही है कि GST आने के बाद सेल कैसे कर पाएंगे ऑनलाइन, कैसे बीट कर पाएंगे प्राइजेस को, कैसे मार्जिन मिलेगा, कैसे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये मान के चलिए कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आपको मार्जिन जो है वो नहीं मिलेगा जब GST रोल आउट होगा, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, मोबाइल एक्सेसरीज में, कंप्यूटर पेरिफेरल्स में, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्सेस हैं 18% और 28% तक पहुँच जाने वाला है। प्राइवेट लेवल ब्रांड्स में ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है MRP का कोई लफड़ा नहीं रहता, आप जो MRP डिसाइड करते हैं वो MRP से काम चलता है। ब्रांडेड में क्या होता है कि MRP एक फिक्स्ड होती है, प्लस ब्रांड्स जो होती है बड़ी बड़ी वो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पे बहुत एक्सपेंस करती है, उसकी वजह से डीलर्स को जो है वो बहुत ही नैरो मार्जिन मिलता है। अब उस नैरो मार्जिन में आपको ऑनलाइन सेलिंग करना है, मार्केट प्लेस का जो वेबसाइट्स हैं उनको कमीशन देना है, प्लस आपको टैक्सेस भरने हैं। तो ओवरऑल जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला मेरे हिसाब से। अब जब GST आएगा तब आप खुद ही देख लीजिएगा। आपकी कोशिश ये रखिएगा कि जितना हो सके प्राइवेट लेवल ब्रांड्स भी आप रखें, मतलब कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो, और चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा है उस पर भी आप फोकस करिए, खुद का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करिए और उसको आप प्रोमोट करिए, ठीक है, खुद की ब्रांड्स को आप प्रोमोट करिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यस, और 2-3 दिन बाकी रह गए हैं सेल के। ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेबसाइट्स में Amazon, Flipkart सब लगे हुए हैं प्री जीएसटी सेल। तो अगर आप कुछ भी अभी भी खरीदना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे, तो हो सके तो अभी ले लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो रेट्स ऑब्वियसली चढ़ जाएंगे बहुत ऊपर, स्पेशली लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, या फिर कह लीजिए कि कैमराज हैं, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट हो महंगी, तो वहाँ पे आपको जो डिफरेंस आएगा 2-3 हज़ार का वो बहुत ज़्यादा खटकेगा। तो राइट टाइम है, अभी आपको ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हो ऑनलाइन। अरे तो अब चलो कुछ प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं यार। एक प्रोडक्ट आया है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है मुझे ऐसा लग रहा है, भेजा है मिस्टर संतोष फ्रॉम UK। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से भेजा है, इसलिए मैं उसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अरे वो कहाँ पे है शुभम? आया है इसमें, अब इसमें हिलने की आवाज़ आ रही है, ये मतलब खुला ही होगा अंदर से, कुछ बबल बबल नहीं किया हुआ है। तो इसको हम खोलेंगे अभी अपनी रामपुरी निकाल के। तो यहाँ पे है कैमरा लेंस एक, इसको हम खोल के दिखाते हैं कैमरा लेंस कैसा है। अब ये कैमरा लेंस बिल्कुल एक्चुअली कैमरा लेंस जैसा नहीं है, बट ये जो है डिज़ाइन वैसी है, वैसे तो ये एक मग है लेकिन लगता है एकदम कैमरा लेंस जैसा ही है। और यहाँ पे आप बाकी और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर आप जो है ठंडा वंडा गर्म वरम जो भी होगा सब आप इसमें पी सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर संतोष, रियली अप्रिशिएट आपने जो भी किया, थैंक यू। और तो इसमें से हम पानी भरेंगे पियेंगे, तो शुभम कुछ भर दो यार। यहाँ पे देखिए स्विचेज वगैरह भी दिए हैं जो वैसे कुछ काम के नहीं है, बट थोड़ा भर के दो ना पानी यार। एक्चुअली पानी पीने के लिए नहीं है ये, कॉफ़ी चाय ऐसा कुछ पिएंगे इसमें यार। और दोस्तों आई होप कि ETGT बाज़ार में आपके प्रोडक्ट्स जो है वो आप डाल रहे हैं, लेकिन यस एक चीज़ मैंने नोटिस की कि बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, कॉपी प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ भी प्रोडक्ट खरीद मत लीजिएगा, मतलब कॉपी प्रोडक्ट्स है तो कॉपी प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है, वो बेचना भी अलाउड नहीं है, ठीक है, लीगल नहीं है। तो उसको भी आप ख़रीदने से पहले भी सोचिएगा, आपके खुद के डिस्क्रिप्शन से खरीदेगा, और अगर पसंद आता है नहीं आता है आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा, मैं कुछ उसमें नहीं कर पाऊँगा भाई लोग। और आप लोग बेचो उसके पहले भी सोचना कि कोई बंदा कोई आके उठ के बाद में आपको प्रॉब्लम ना करे, ठीक है, क्योंकि लीगल इशू भी हो सकता है। सो जो भी बेचो जेन्युइन बेचो, विद बिल बेचो, तो आपको भी मज़ा आएगा, सामने खरीदने वाले को भी मज़ा आएगा। दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत लंबा वीडियो बनाते हो, तो मैं छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ठीक लगा होगा, अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ बताइएगा, अगर कोई चेंजेस चाहिए फॉर्मेट में तो वो भी बताइएगा, तो डेफिनेटली आई एक्सेप्ट इट एंड आई वर्क अपॉन इट। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे कल किसी और वीडियो के साथ और लाइव सेशन के साथ। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।